दोस्तों कल देश के अंदर काफी बड़ी दुर्घटना यहां पर देखने को मिली कुन्नूर के अंदर जो कि तमिलनाडु के अंदर है। वहां पर एयरफोर्स का जो एक प्लेन था वो क्रैश हो गया और उसके चलते हमारी आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये काफी बड़ी एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, जिससे पूरा देश जो है वो स्तब्ध रह गया कि हाँ ऐसी दुर्घटना कैसे देखने को मिल गई। क्योंकि अगर कोई भी फ्लाइट अगर चलती है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डिग्नेटरी को लेकर, तो प्रॉपर उसके लिए रूल और रेगुलेशन होती है, प्रॉपर प्रोटोकॉल होती है कि ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी। फिर ये ऐसी दुर्घटना कैसे घट गई, तो इसके ऊपर अभी कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा ये कमेंट किया गया, लगभग 2 बजे के करीब ये कमेंट आया, तो इसके चलते पूरा देश जो है वो सन्नाटे में एकदम छा गया कि ये आखिर हो कैसे गया। इंडियन एयरफोर्स का जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर था वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्हीं के साथ में उनकी वाइफ भी थी और भी कई सारे मेंबर थे जिनको लेकर जा रहा था। और यहाँ पर ये कुन्नूर जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया तमिलनाडु के अंदर, ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर जाकर ये क्षतिग्रस्त हो गया। तो कंडीशन ये देखने को मिली यहाँ पर कई सारे जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि जो जैक फ्रूट यानी कि जो कटहल का पेड़ होता है उससे ये टकराया और टकराने के बाद में फिर जो है यहाँ पर ये गिरा। तो ये था यार जब मॉर्निंग में ये चले लगभग 8:47 पर, तो तब सारी चीजें कंफर्म थी, सब चीजें सही है, तो पालम एयरबेस से इनके द्वारा उड़ान भरी गई। फिर यहां पर जाकर जो सुलूर एयर बेस है वहां पर जाकर ये लैंड करे लगभग 11:34 पर। और फिर यहां से इसके बाद में ये जो जनरल बिपिन रावत अपनी वाइफ के साथ में फिर यहां से हेलीकॉप्टर जो है वो विलिंगटन के लिए निकला। तो विलिंगटन ये वही एक पर्टिकुलर हमारे देश के अंदर में काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जहां से ये खुद भी पढ़े थे। तो आप लोग खुद सोचिए कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उस लोकेशन पर जा रहा है जहां पर ऑलरेडी वो खुद अपनी पढ़ाई कर आ चुका है, तो एक तरीके से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए ये सारा प्रोग्राम जो था वो वहां पर देखने को मिला। पर लेकिन बीच में ही उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर ही ये सारी दुर्घटना घटी। और जब लोकल एरिया के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहां पर जैक फ्रूट का जो पेड़ है, इनके जो कटहल का पेड़ है, उससे इनका हेलीकॉप्टर टकराया, तो इतनी नीचे वो हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहा था। तो ये रियलिटी में एक काफी इतनी बड़ी दुखद घटना है कि पचाने लायक नहीं है कि खासकर आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि तीनों जो आर्मी एयरफोर्स और जो नेवी के सबसे टॉप रैंक अथॉरिटी है उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इतनी एक गलती की वजह से यहाँ पर एक तरीके समझ रहे कि एक पेड़ से टकरा गया। तो ये अपने ही आप में काफी बड़ी एक मतलब बात आप लोग बोल सकते हैं जो एक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। और सबकी जो जान है वो माना जाता है कि वहां पर एट द पॉइंट मतलब उसी समय पर सबकी जान यहाँ पर चली गई। जो बिपिन रावत जी थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लेट बताई गई क्योंकि आप लोगों को पता है कि देश की एक सिक्योरिटी भी है यहाँ पर इनके कंधों पर थी, जो कि इसके चलते यहाँ पर पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल ना हो जाए एकदम। तो ये बोला गया कि अभी बिपिन रावत जी हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है। पर जब इनकी फैमिली के बारे में पता चला कि इनकी फैमिली को तुरंत बोला गया था कि सब के सब जो है जो भी इनकी फैमिली के मेंबर थे उनको दिल्ली बुलाया गया, तो ये सिचुएशन देखने को मिली। तो अभी जो है फिलहाल बस यही एक दुआ कर सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं कि भगवान जो है वो इनके परिवार को साहस दे और इसी के साथ में इनकी आत्मा को शांति दे। पर लेकिन यार ये सोचने वाला मुद्दा है क्योंकि आज तक अगर आप लोग देखोगे, पास्ट में पहली बार नहीं हो रहा है, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो बहुत सारे इंसिडेंट आप लोगों को हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन से रिलेटेड ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं अभी 4 ये अपनी कंट्री के जो पॉलिटिशियन है इनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो संजय गांधी जी के साथ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था ये 1980s में जब ये सिचुएशन यहां पर सामने निकल कर आई। इसी के साथ में माधवराव सिंधे इनके साथ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। ये यहाँ पर जो बात की जा रही है 2001 की है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इंसिडेंट हुआ था। इसी के साथ में यहाँ पर बाल योगी जी के साथ में ऐसा हुआ था 2002 की बात है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ में वाई एस राजशेखर रेड्डी इनके साथ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था ये आंध्र प्रदेश के अंदर 2009 में। यहाँ पर ये ऐसे इंसिडेंट कई बार आप लोगों को पॉलिटिशियन के साथ में देखने को मिलते रहते हैं। पर लेकिन अगर बात करें, मैं यहाँ पर पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं अभी एक आर्मी लीडर की, तो यहाँ पर आर्मी लीडर के साथ भी आप लोगों को ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। पास्ट में 1963 में हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे, इसके साथ में यहाँ पर 6 लोगों की जान गई थी। 1997 में भी यहाँ पर लगभग 4 लोगों की जान गई थी और 2010 में रिसेंटली अभी लगभग 12 लोगों की जान गई। तो जो ये हुआ था 1963 में उस टाइम पर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन देखने को मिली थी। बाकी फिर बाद में यहाँ पर तवांग जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का 1997 में वहां पर सिचुएशन देखने को मिली थी। तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस तरीके जो चौपाई, कई बार ऐसी जो हरकतें देखने को मिलती है
ये बोला जा रहा था कि इनको रिप्लेस करने की बात की गई थी 2019 में, पर लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को पता है हम लोग हर चीज में डिले चलते हैं। हमारे देश में एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो है हमारी मेट्रो, टाइम से पहले अपना काम कंप्लीट करती है, और दूसरी हमारी इसरो, वो भी अपने सारे काम जो है टाइम पर कंप्लीट करती है। इसके अलावा 99% जो चीजें हैं वो डिले में चलती है। जब तक कोई दुर्घटना ना घट जाए बहुत बड़ी, जब तक कोई सिचुएशन कहीं खराब ना हो जाए, तब तक हम लोग उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और तब तक हम लोग उसको आगे लेकर भी नहीं चलते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है हमारे देश में कब आया, जब सुनामी आ गई, एनआईए कब आया, जब मुंबई में अटैक हो गया, तो ये सारी चीजें नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ी एक ऐसी दुर्घटना सामने निकल कर आई जिसने रियलिटी में यार पूरे इतना ज्यादा लार्ज स्केल पर मैंने आज तक जो है चीजों को उस तरीके से नहीं देखा कि इतने लार्ज स्केल पर जो चीजें पूरे देश में ऐसा लगे कि पता नहीं क्या हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे देश की सिक्योरिटी की यहां पर ये बात थी। और अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी थी, या तो एक तरीके से कि करियर वाइज अगर आप लोग देखोगे तो वन ऑफ द ब्रिलियंट ऑफिसर हमारी कंट्री की फोर्स के आप लोग बोल सकते हैं। 40 साल के करियर में 18 से ज्यादा अवार्ड आप लोगों को इनके हाथ में देखने को मिलेंगे। इनकी जो छाती है वो तमकों से भरी हुई आप लोगों को नजर आएगी, जिस तरीके से अगर बात करें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इतने सारे अवार्ड यहां पर इनके द्वारा जीते गए, और ये तो चलो एक बात है कि अपने देश में अवार्ड मिले हैं। इनको एक ऐसा भी खिताब यहां पर है कि जब हम लोग बात करते हैं किसके, यूएन के जो मिशन होते हैं, तो पीस कीपिंग जो मिशन होते हैं कोंगो में, इनके द्वारा कई कंट्री की जो आर्मी थी उसको लीड भी किया गया। तो यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान किस लेवल के ऑफिसर थे, तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं जिनको उसका एक पैरामीटर अगर आप लोगों को चेक करना हो। पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया 2019 में बालाकोट स्ट्राइक, वो यहां पर इनका काफी बड़ा योगदान देखने को मिला। आज चाइना के खिलाफ अगर बात करूं आप लोगों को, मैंने डिस्कस किया था, अगर आप लोग थोड़े लंबे समय से मेरे साथ में कनेक्ट हैं, कहां पर डोकलाम वाले एरिया में, डोकलाम वाले एरिया में ये इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को एक ट्राई जंक्शन देखने को मिलेगा जिसमें भूटान भी आप लोगों को इंक्लूडेड नजर आएगा। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है। चाइना एक ऐसी कंट्री जो कि यूएसए के साथ में आज के में टक्कर लेने के लिए तैयार है, बिपिन रावत जी के चलते उस चाइना के सामने हम लोग 73 यानी कि 73 दिनों तक खड़े रहे 2017 में, और जब तक वो पीछे नहीं उठा तब तक हम लोग नहीं माने। तो इंडिया भूटान ट्राई जंक्शन जिसको चुंबे वैली के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो उसमें भी यहां पर इनका काफी बड़ा योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्मी चीफ थी उस टाइम पर, ठीक है। इसी के साथ में म्यांमार के अंदर जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, क्रॉस बॉर्डर जाकर हम लोगों ने इंसर्जेंसी को खत्म किया था, उसमें यहां पर इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो हमारी कंट्री की एक सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग बात करें, डिफेंस को ध्यान में रखते हुए बात करें, और एक काफी शानदार जिस तरीके से इनकी सूझबूझ थी इन सारे मुद्दों को लेकर, तो ये हमारे देश के लिए काफी बड़ी क्षति आप लोग बोल सकते हैं इसको, जिसकी भरपाई आप लोग जल्दी नहीं कर पाएंगे। जल्दी क्या कर ही नहीं पा रहे, किसी पर्टिकुलर पर्सन का जाना, वो एक उसकी जगह कोई और आ जाएगा, अलग कैपेबिलिटी का इंसान आएगा, वो बात समझ में आती है। पर लेकिन इंसान जो है उस पर्टिकुलर एक जो इंसान के बारे में हम लोग बात करें, उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। अगर बात करें, इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट 1978 में 16 दिसंबर को। अगर बात करें यहां पर तो देख सकते हैं अभी 16 दिसंबर को इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था, और 9 दिसंबर में आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं। तो ये काफी बड़ा एक आप लोग यहां पर इंसिडेंट देखने को मिला। तो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर इनके द्वारा जब ज्वाइन किया गया था, तो ये एनडीए के थ्रू गए थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी आप लोगों ने सुना होगा, जो कि नॉर्मली 12th के बाद में जो बच्चा है वो उसमें परस्यू करता है और फिर आगे बढ़ता है। आगे फिर लेफ्टिनेंट बने 1980 में, कैप्टन की रैंक इनको मिली 1984 में, इसी के साथ में मेजर की रैंक मिली 1989 में, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक मिली इनको 1998 में, इसी के साथ में कर्नल बन गए फिर ये 2003 में, ब्रिगेडियर की रैंक मिली 2007 में, मेजर जनरल की रैंक मिली 2011 में, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक मिली 2014 में, और इसी के साथ में चीफ ऑफ आर्मी जो सर्विस है ये बने यहां पर 2017 में। फिर पहली बार हमारे देश में एक पोस्ट क्रिएट की गई जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो जो तीनों फोर्स होती हैं उनमें एक सिंक्रोनस वे में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब यहां पर मैं आप लोगों को अगर समझाऊं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे एक घर में तीन बच्चे हैं, ठीक है, तो तीन बच्चे हैं यहां पर, तो उनके जो ऊपर बैठ गए हैं उनके जो पापा हैं वो सब में बैलेंस बनाए हुए हैं ताकि घर जो है वो सही डायरेक्शन में चलता रहे। तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एयरफोर्स के पास में, कुछ आर्मी के पास में नहीं है, आर्मी के पास में, नेवी के पास में नहीं है, तो क्यों ना रिसोर्सेज को सारे यूज कर लो। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए एक घर में यहां पर एक तीन भाई हैं, तीनों जो है वो अलग अलग रहने लगे यहाँ पर, और घर में एक घर में इसके पास में चक्की है, ठीक है, जो आटा पीसने वाली है, इसके पास में अगर घर में जो न्यार काटने वाला जो गंडासा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके पास में कोई दूसरा ट्रैक्टर वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज है।
तो अगर तीनों अलग अलग अपना ट्रैक्टर चाक जो गन्ना काटने सॉरी घास काटने वाली जो मशीन होती है और या फिर जो चक्की होती है आटा पीसने वाली, या तो तीनों सब अपना अपना लेकर रखें, या फिर ये बोले कि तुम मेरे यहां पर आकर आटा पीस लेना, ठीक है मैं तुम्हारे यहां पर तुम्हारे खेतों को मैं जोत दूंगा, उसमें मतलब तुम्हारे खेतों में जितनी जुताई होगी वो हम कर देंगे, और यहां पर ये बोलने लगे कि तुम हमारा वाला इंस्ट्रूमेंट भी इस तरीके से यूज कर लेना घास काटने के लिए, तो इससे क्या होगा, खर्चा बहुत कम हो जाएगा, एक ही मशीन जो है वो सारे मिलकर यूज कर लेंगे। सेम फंडा यहां पर देखने को मिला हमारी कंट्री में, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया ताकि जो खर्चा है उसको कम किया जा सके और रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किए जाते थे, तो उसका भी जो दारोमदार था कहीं ना कहीं उसको एक स्ट्रक्चर देने का, वो इन्हीं के कंधे पर था, इन्हीं के द्वारा वो स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया। और अगर बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं और बताऊं इनके बारे में, तो उत्तराखंड के जो पौरी वाला एरिया है वहां पर इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 में, और यहां पर अभी आखिरी जो सांस इनके द्वारा ली गई ये तमिलनाडु के अंदर, ओनली 63 ईयर की एज थी। अभी एक काफी एक अच्छा करियर सामने था और इसी के साथ में अभी पूरी लाइफ थी, और इनका उससे भी बड़ी बात करूं तो जो इनका एक्सपीरियंस था वो देश के काफी काम आने वाला था, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। आगे बात करें तो यहां पर इनके पास में कई सारी एजुकेशनल डिग्री के बारे में बात करें तो एनडीए से बीएससी की गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 12 से आप लोग जाते हैं जब एनडीए की सर्विस में जाते हैं, तो 12 से जाने के बाद में जब एनडीए को आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोग की ग्रेजुएशन वहीं पर ही कंप्लीट कराई जाती है, ठीक है। तो बीएससी फिर आईएम जो आईएमए है यहां पर डिफेंस, इसी के साथ में सर्विस जो यहां पर स्टाफ कॉलेज है एमफिल किया उससे, यूएस से आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी हाई क्वालिफिकेशन आप लोग देखते हैं, तो यूएस आर्मी कमांड और जनरल कॉलेज से भी इनके द्वारा डिग्री ली गई। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है मेरठ के अंदर पीएचडी, तो यहां पर इनके द्वारा इससे भी एक पीएचडी की डिग्री ली गई। तो हर एक फील्ड में डिफेंस की जो भी तकनीकी जो जानकारी एक इंसान को होनी चाहिए वो सारी इनके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैडम तो मैंने आप लोगों को अभी बताई दी, उसमें तो अवार्ड के बारे में कोई बात ही नहीं है कि एक तरीके से कोई काउंट ही नहीं कर सकता कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी। तो आखिरी सांस जो अभी इनके द्वारा ली गई ये काफी एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड एक ये सिचुएशन सामने निकल कर आई, वरना इतनी एक अच्छी जो पर्सनैलिटी है उनकी जो विदा होनी चाहिए थी वो ऐसा पूरी एज इंसान पूरी कर ले और उसके बाद में आराम से पूरा, एक नहीं कहते जब आप लोगों ने देखा होगा जब बुजुर्ग है घर में 100 साल से ऊपर अगर उनकी एज हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं उनकी 13वीं को, तो वो वाली जिंदगी होती है कंप्लीट जिंदगी। तो ये काफी दुखद घटना बोल सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ये MI जो 175V5 ये याद रखेगा, ये रशिया द्वारा मेड यहां पर ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि आज पहली बार क्रैश नहीं हुआ है, बहुत बार इसके पहले भी इंसिडेंट सामने निकल कर आ चुके हैं, और कई सारे लोग इसको ये भी बोलते हैं कि एक ट्रस्टेड बर्ड है, यानी कि एक ऐसी चिड़िया है, ये एक ऐसा जहाज है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो यार देखिए पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे ये ट्रस्टेड नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आप लोग इसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे अपने देश के अंदर नहीं बाहर भी, चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और भी कई सारे पड़ोसी देशों के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो रशियन मेड ये एयरक्राफ्ट या फिर ये हेलीकॉप्टर जो है ये क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आए हैं, पर लेकिन फिर भी लोग जो है इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट का मुद्दा क्या है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं आखिर ऐसी क्या कमी है कि एक तरीके से इसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता जिसमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। फिर या यहां पर ये एयरक्राफ्ट की ही कमी थी या फिर कोई सिक्योरिटी फेलियर भी देखने को मिला जब यहां पर इनके द्वारा सुलूर एयरबेस में यहां पर ये उतरे और फिर वहां से इनके द्वारा जब नेक्स्ट अपनी जर्नी स्टार्ट की गई। तो टोटल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी वाइफ और इसी के साथ में 11 अदर जो मेंबर थे वो भी यहाँ पर इसी में बेसिकली अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो काफी बड़ी एक दुर्घटना ये सामने निकल कर आई। तो अभी आगे जो है देखो क्या इंक्वायरी की जाती है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट पर अब नेक्स्ट पर्सन कौन आते हैं तो वो अभी आप लोगों को आगे जानने को मिलेगा। अभी इनके ऊपर कई सारे और आर्टिकल एडिटोरियल आएंगे, डिफेंस की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, देश में क्या चल रहा है, आखिर कैसे कैसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत सारे तमाम मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनको जैसे जैसे भी जो जो न्यूज आएंगी आगे मैं उनको आर्टिकल की फॉर्म में कवर करूंगा, आप लोग उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए यहां पर बताई क्योंकि आगे भी अगर आप लोगों के सामने कोई चीजें आती हैं आप लोग उसके साथ में कनेक्ट कर सकें, ये मेरा बेसिक पर्पस था। और बाकी सब दुआ करना, देखिए दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, ठीक है, अगर आप लोग दुआ करेंगे तो किसी की अगर कबूल हो जाती है तो इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा एक शांति और सुकून भी मिलता है, तो थॉट्स में बहुत सारी पावर होती है। तो दुआ करना कि इनके परिवार को जो है वो एक शक्ति मिले इन सब चीजों से लड़ने के लिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। अभी मैं एडिटोरियल के बारे में बात करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, एक एक एडिटोरियल आप लोगों को जानने को मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहां पर एक एक कर कवर करूंगा, तो इसमें हर तरीके से आप लोगों को एडिटोरियल में बता के चलूंगा। पहला एडिटोरियल जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ये ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा अभी प्रीलिम्स के अंदर भी कई सारे गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले गए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे, तो डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। सॉरी ये वाला है ओलंपिक के बारे में,
ये वाला यहाँ पर ओमिक्रॉन वायरस के बारे में है, तो हम लोग समझेंगे इसके बारे में कुछ मुद्दे, कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया और रशिया रिलेशन के बारे में एक सटीक आर्टिकल जो आप लोग आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तीन दिन से लगातार आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूं, आज इस डिस्कशन के साथ में जो रशिया से रिलेटेड आर्टिकल है उस पर हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि आगे कई सारे आर्टिकल आते रहते हैं जो इतनी इंफॉर्मेशन जितनी आप लोगों को आंसर राइटिंग या प्रीलिम्स के लिए इंटरव्यू के लिए चाहिए वो सारी आप लोगों की आज यहां पर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो उसको आज के आर्टिकल के साथ में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बात की जा रही है एलपीजी के बारे में, जो सिलेंडर यूज किया जाता है उससे रिलेटेड स्कीम के बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसका सेकंड वर्जन देखने को मिला, उज्ज्वला 2.0। तो आखिर क्या है कंडीशन और आज के डेट में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो काफी डिटेल में इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। यहां पर जो ये साइड वाला आर्टिकल है, इस आर्टिकल को इस आर्टिकल के साथ में कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में है, पर लेकिन डिफरेंट एंगल यहां पर ये है कि जो डेथ हो रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड वो हम लोग कैसे काउंट करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर उसको ही काउंट नहीं कर रहे हैं तो फिर काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये अभी तबैको को जीएसटी के अंदर रखने की जो बात की जा रही है, मतलब जीएसटी के अंदर जब से चीजें आई हैं तब से लेकर तबैको के ऊपर जो टैक्स है वो काफी कम है, तो इसकी वजह से जीएसटी का कलेक्शन भी कम देखने को मिलता है और हेल्थ एक काफी बड़ा इशू यहां पर बन जाता है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग समझेंगे, कई सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं आप लोगों से यहां पर बात करूंगा इस आर्टिकल में, जिससे आप लोग एक अच्छे लेवल पर इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अच्छा कैसे कैसे क्या क्या चीजें चल रही है। ये साइड में जो छोटा सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर बात की जा रही है, अभी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बोला जा रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो वहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ लाए जा रहे हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ मतलब यानी कि धर्म कन्वर्ट न किया जाए, खासकर शादी विवाह के नाम पर, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो उसी के बारे में है। तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि अभी यहां पर ऐसा ही कुछ अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कर्नाटक में भी ऐसा ही रूल पास हो जाए। तो देखिए ये अगर पॉलिटिकली आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां से क्या निकल के आता है, जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे पार्ट थर्ड के अंदर में, तो आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को ये यहां पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का आप लोगों को ये राइट टू रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये वाला आप लोगों का जो चैप्टर है ये काफी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा जाकर आप लोग इसके ऊपर नजर डालिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को लेक्चर का लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, पॉलिटी में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ा है, यहां पर अलग से एक पूरा लेक्चर लिया है यहां पर ओनली जो राइट टू रिलीजन के बारे में। देखिए फंडामेंटल राइट मैंने काफी डिटेल में अलग अलग करके पढ़ाया, तो राइट टू रिलीजन वाले का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो पॉलिटी का एक चैप्टर का पूरा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसको मेरे साथ में करते हुए चलो, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यहां पर देखने को न मिले और इससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो यहां पर बातें समझाने की कोशिश की जा रही है, ये यहां पर इसके बारे में अब बात करें अगर आप लोगों से, तो एक जो एक ओवरव्यू पहले मैं आप लोगों को यहां पर दे दूं, आप लोग इसके बारे में समझिए हुआ क्या अभी अभी ये हुआ। आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली अभी यहां पर स्टार्ट होंगे जो विंटर ओलंपिक फरवरी के अंदर, कहां पर? चाइना के अंदर। तो चाइना के अंदर यहां पर जो ये विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, ये कौन से नंबर के विंटर ओलंपिक है पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। तो ये 14th नंबर के विंटर ओलंपिक आप लोगों को, सॉरी 24th नंबर के विंटर ओलंपिक आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, इनके 24वें नंबर के, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूं अभी यहां पर जो ओलंपिक गेम देखने को मिले जापान के अंदर वो कौन से नंबर के थे, अगर आप लोग बता पाएंगे यहां पर चलिए बताएगा, हालांकि आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वीडियो को पॉज कर आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बीजिंग के अंदर जो ये ओलंपिक होने वाला है 4 फरवरी से चलेंगे और 20 फरवरी तक लगभग आप लोगों को 20 दिन ये गेम चलते हुए नजर आएंगे। मोटो क्या है यहां पर? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, तो ये यहां पर आप लोगों को इसका मोटो देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो बाइडेन साहब है उनके द्वारा अभी अनाउंस किया गया कि हमारी तरफ से डिप्लोमेटिक बाइकॉट किया जाएगा ओलंपिक का, जो कि यहां पर अभी स्टार्ट होने आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6 दिसंबर में इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। डिप्लोमेटिक बाइकॉट का क्या मतलब है? डिप्लोमेटिक बाइकॉट का मतलब ये कि हमारे प्लेयर तो जाएंगे खेलने के लिए पर हमारे जो डिप्लोमेटिक वहां पर प्रेजेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ये इनके द्वारा यहां पर बताया गया। और ये ऐसा क्यों किया गया, तो उसका बहुत बड़ा मुद्दा है, ये ह्यूमन राइट अब्यूज जो एट्रोसिटी देखने को मिलती है कहां पर, ये है जिंगजियांग वाले रीजन में। समझ लेते हैं यहां पर चाइना का ये पर्टिकुलर रीजन, ये चाइना हो गया, चाइना का ये है जिंगजियांग वाला रीजन और ये है नीचे अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है, हमारी दिलो जान, हमारा भारत महान, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये हमारे साथ में ये टच भी करता है बॉर्डर, तो यहां पर एक कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं उघुर कम्युनिटी, तो चाइना जो है इस उघुर कम्युनिटी को काफी ज्यादा सप्रेस करता है और ये मुस्लिम माइनॉरिटी आप लोगों को इस एरिया में देखने को मिलेगी, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी है माइनॉरिटी में जो काफी कम मात्रा में चाइना के अंदर है, तो उसी को सप्रेस करने की कोशिश यहां पर की जा रही है।
इसी के चलते यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको कई बार उनके जो परिवार के मेंबर हैं वो गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, तो एक जिनोसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक ह्यूमन राइट का इशू बन गया, यानी कि एक तरीके से इंसानों के साथ में इतनी गंदी हरकतें करना, तो चाइना ही ऐसी कोई हरकतें कर सकता है। तो उसका प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाया गया जो बाइडन के द्वारा, और उनके द्वारा अभी एक समिट भी ऑर्गेनाइज कराई गई जिसको बोला गया समिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। तो डेमोक्रेसी के नाम पर इनके द्वारा बोला गया कि चाइना और रशिया को नहीं बुलाया जाएगा, और सही भी है यहाँ पर, क्योंकि ना तो रशिया के अंदर डेमोक्रेसी है क्योंकि पुतिन साहब बैठे हुए वहां पर पोलथी मारे पता नहीं कब से, और ना ही यहाँ पर चाइना के अंदर डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगता है अपने आप को ये एक तरीके से कि एक तरीके से यानी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाइना के तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन पता है कैसी है डेमोक्रेसी, आप लोग सुनकर हैरान होंगे। इनकी डेमोक्रेसी ऐसे जैसे प्रेजेंट टाइम पे मान लीजिए जैसे कोई ए पार्टी है, ठीक है, कोई हमारे देश में, और उसी पार्टी के 5 मेंबर को खड़ा कर दें, और 5 मेंबर को खड़ा करके उसी पार्टी के बोले कि इनमें से एक इंसान को आप लोग चूज कर लो, एक इंसान को छांट लो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट के लिए। तो ये कंडीशन है यहां पर, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर में से आप लोगों को चूज करना पड़ता है, तो ऐसी डेमोक्रेसी। तो सोचो क्या गंदी हरकतें चल रही है, और बोल रहे हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये सही है, ये तो वही हो गया जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे देश में जो फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं लोगों के घरों में जो पेड़ है हम लोग उनको भी काउंट कर लेते हैं कि अच्छा हाँ हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में लिटरेसी है, तो हम लोग बोलते हैं कि जिसको नाम लिखना और ओनली अपना नाम पढ़ना भी आता है तो वो भी इंसान जो है वो एक लिटरेट पर्सन है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी गांव में 10% अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने प्रोवाइड करा दी तो पूरा गांव जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया, उस पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। 10% कहां पे, पंचायत घर हो गए, गांव में कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है स्कूल से, तो वहां पर आप लोगों ने बिजली प्रोवाइड करा दी तो पूरा गांव जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन की कैटेगरी में आ गया। ये डेफिनेशन है हमारे देश में। तो ये अपने आप को डिफाइन करने के लिए डेमोक्रेसी, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के 5-6 मेंबर को डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन करा दो तो ये डेमोक्रेसी हो गई। तो ये ऐसी हरकतें आप लोग यहां पर इनकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी सोचने वाले मुद्दे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो चीजों को मॉडिफाइड कर देते हैं। पूरा गेम चलेगा यहां पर बीजिंग नेशनल स्टेडियम के अंदर आप लोगों को नजर आएगा, जो कि हैवी ये पर्टिकुलर एरिया है इसके अंदर नजर आएगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये इंडिया और इसी के साथ में रशिया ने बोला है कि वो सपोर्ट करेंगे ओलंपिक को, वो बायकॉट नहीं करेंगे, वो वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे अगर बात करें तो। पर लेकिन अगर बात करें तो अगर यहां पर हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है यहां पर उसके बारे में बात करें, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि वो भी यहां पर पार्टिसिपेट चाइना केस के अंदर नहीं करेंगे। तो अब देखने वाला मुद्दा यहां पर यह है कि 4 फरवरी तक और कितने ऐसे देश हैं जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर जो यहां पर ये पूरा एक इवेंट होगा इसका बायकॉट करने वाले हैं, तो ये सोचने में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर नजर आएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर ओलंपिक के बारे में बता ही रहा हूं तो थोड़ा सा अभी यहां पर बता देते हैं जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के देखने को मिले। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ किसी ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया, इससे पहले किसी ओलंपिक को पोस्टपोन नहीं किया गया था, ओनली कैंसिल किया गया था। याद रखिएगा पोस्टपोन का मतलब होता है कि बाद में कंडक्ट करा दिया जाए, पर लेकिन कैंसिल का मतलब होता है कि आज ही खत्म हो गया, अब आगे जो है अगली बार का होगा। तो कंप्लीटली यहां पर 3 बार 1916 में, 1940 में और 1944 में, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुई थी आप लोग इनका ड्यूरेशन पता है, बताइए चलिए लिखिए नीचे, देखता हूं किस किस को याद है, फिर कल आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उस टाइम पर बोला गया यहां पर इनको कैंसिल कर दिया क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई थी कि जान है तो जहान है तो गेम तो बाद की बात हो जाती है, पहले इंसान जिंदा तो बचे। तो उस टाइम पर यह भी मुद्दा था कि लगभग 13 बिलियन जो यहां पर ओलंपिक गेम को ऑर्गेनाइज करा रहे तो $13 बिलियन यहां पर नुकसान हो जाता, ये दिक्कतें देखने को मिली। बहुत सारे होटल वगैरह, बहुत सारे ग्राउंड वगैरह सब तैयार कर दिए गए थे, हाई प्रोफाइल वेन्यू जो है वो सब तैयार कर दिए गए थे, तो ये लगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन ये नहीं था कि होंगे भी या नहीं होंगे कोरोना वायरस की कंडीशन को देखते हुए। लास्ट वाले कहां पे हुए थे, वो रियो डी जनेरियो ब्राजील के अंदर हुए थे 2016 में। अभी कहां पर हुए, वो हुए जापान के अंदर टोक्यो के अंदर में, और इसके नेक्स्ट वाले कहां पर होंगे, वो होंगे पेरिस के अंदर में 2024 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप लोग जरूर याद रखेगा, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कतर के अंदर, जैसे फुटबॉल के बारे में बात करें तो वर्ल्ड कप फुटबॉल का, तो उसके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी कुछ और गेम्स के बारे में अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो फीफा के बारे में बात की जा रही है, तो फीफा वुमेन का जो कप था ये चाइना के अंदर होने वाला था, तो इसको भी यहां पर कैंसिल किया गया था। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में यहां पर ये वायरस का जो कोरोना वायरस है उसका छोटा भाई उस टाइम पर देखने को मिला, उसकी वजह से भी यहां पर कैंसिल हो गए थे। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो यहां पर उसके द्वारा अनाउंस किया गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और 124 साल की हिस्ट्री में पहली बार यहां पर ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिला कि इसको यहां पर पोस्टपोन किया गया। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेगा
कि जहां पर ओलंपिक होते हैं उसी देश में पैरा ओलंपिक भी होते हैं उसी एरिया के अंदर में। तो टोक्यो के अंदर ही ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों चीजें देखने को मिली। पोस्टपोन करने का मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया था, इस टाइम पर दिक्कत इतनी ज्यादा देखने को मिल गई थी, कोविड 19 जो है वो काफी ज्यादा फैल रहा था, और अगर ग्राउंड के बारे में बात करें सेलिब्रेट के लिए सेलिब्रेशन के लिए इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी इंसिडेंट देखने को मिल सकते थे कोरोना वायरस के, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में दुनिया भर के केसेस थे उस टाइम पर कोरोना वायरस के। अफ्रीका के अंदर कुछ ऐसे देश थे जहां पर कंफर्म नहीं थे उस टाइम पर, अब तो यहां पर और भी ज्यादा चीजें जो है वो कंफर्म हो चुकी है, तो अब तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं रही। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो काफी बड़ी दुर्घटना ये आप लोगों के सामने यहां पर उस टाइम पर देखने को थी जिसकी वजह से दिक्कत आ गई थी। पर लेकिन अभी यहां पर इसी के चलते मैं आप लोगों से नेक्स्ट आर्टिकल पर जंप करने वाला हूं जो कि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल किसके बारे में, अब अफ्रीका के बारे में है, जिस अफ्रीका में आप लोगों को अभी केसेस देखने को नहीं मिल रहे थे उसी अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाहाकार मचा दी एक पर्टिकुलर वेरिएंट के द्वारा जिसका नाम है ओमिक्रोन। तो यहां पर इसके बारे में हम लोग समझेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं, और अभी फिलहाल जो है 183 के करीब केस यहां पर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को, किसके अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, घाना के अंदर, यूके के अंदर, बोट्सवाना के अंदर, इवन हमारे देश में भी कई सारे केसेस आ चुके हैं, दिल्ली के अंदर, कर्नाटक के अंदर और कई जगह केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे डिटेल में थोड़ा सा, आखिर ये क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। ओमिक्रोन वेरिएंट, अगर किसी से बात करूं फर्स्ट टाइम ये ओमिक्रोन वेरिएंट क्या होता है, तो अगर किसी इंसान ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर चीज क्या है। तो सबसे पहले तो किसी का नामकरण जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कोरोना वायरस जिसको आप लोग SARS-CoV-2 बोलते हैं, तो यहां पर एक तरीके से वायरस उसी का जो बीमारी का नाम है उसको बोलते हैं COVID-19। तो SARS-CoV-2 जो कि यहां पर वायरस है तो उसके वेरिएंट यहां पर नजर आते हैं, जैसे एक फैमिली में कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं उसी तरीके से यहां पर जो कोरोना के अगर बात करें कई सारे वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आ रहे हैं बीमारी के, जिसके चलते यहां पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो ये जो नामकरण किया जा रहा है ये आज से नहीं है, पहले भी हम लोग काफी बड़ा नामकरण कई बार कर चुके हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा, अब तक का सबसे जो ताकतवर यहां पर है वो है डेल्टा, जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये जो है अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको लेकर ही डूबता है। तो इसी तरीके से नामांकन यहां पर ओमिक्रोन का भी करना था कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो जब नामांकन की बातें यहां पर चल रही थी उस टाइम पर यह बोला गया कि यार देखो ऑलरेडी यहां पर दो शब्द हैं, अब नेक्स्ट जो यहां पर कतार में एक है NU, ठीक है, और एक है यहां पर XI। तो यहां पर यह बोला गया अगर XI यहां पर रख देते हैं तो दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सी जिनपिंग, तो ये लगेगा कि कोरोना यही है, तो ये कंडीशन यहां पर खराब क्रिएट कर सकती है और किसी कंट्री की इमेज खराब कर सकती है, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा NU जो है कई जगह यूज कहता है एज ए न्यू, इसका मतलब कि एक तरीके से न्यू यानी कि सबने न्यू हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कोई भी अगर न्यू चीज हो रही है उसकी जगह यूज करते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। नामांकन करने का बेसिक पर्पज होता है कि वो नाम जो है वो छोटा होना चाहिए, लोग जो है आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको पुकार सके, ये इस तरीके से नाम यहां पर रखे जाते हैं। सेम इसी पैटर्न में साइक्लोन के नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके भी नाम इसी तरीके से रखे जाते हैं। तो फिर लगा कि अब क्या कर रहे हैं, तो न्यू भी यहां पर कैंसिल कर दिया और यहां पर XI भी कैंसिल कर दिया, तो फिर जो नेक्स्ट शब्द था यहां पर ये था ओमिक्रोन, तो ओमिक्रोन यहां पर आप लोगों को देखने को मिला। आगे जो भी यहां पर चीजें निकल कर आएंगी उनके भी नाम यहां पर यहां से निकल कर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे नाम जो है वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, यानी कि ये अलग अलग वेरियंट अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे मार्केट में, इनके नाम ऑलरेडी है। जैसे अल्फा जो है यहां पर ये है B117, ये यूके से निकल कर आया, निकल कर आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है कि वो पर्टिकुलर वायरस जो है वो वहां पे हुआ है, नहीं, ये पहली बार वहां पे आइडेंटिफाई किया गया, ये है इसका मतलब। हमारे देश में डेल्टा आइडेंटिफाई किया गया सबसे पहले 11 मई 2021 में, और एक और है हमारे देश का, यह कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, तो ये कप्पा जो देखने को मिला इसका मतलब है B16171, तो ये 4 अप्रैल ये यहां पर 2021 में देखने को मिला, तो हमारे देश में ये दो आप लोगों को देखने को मिले। अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं दो कैटेगरी के बारे में जो काफी ज्यादा न्यूज में है, एक को बोल रहे हैं यहां पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी कि वो जो ट्रांसमिट होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी होता है, उसका एक तरीके से जो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है, और इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर किसी इंसान को अगर हो जाए तो जो ऑलरेडी अवेलेबल दवाइयां हैं वो उसके ऊपर जल्दी से काम नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस कैटेगरी में अब तक टोटल 5 वेरिएंट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। पहला है ओमिक्रोन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में इसका जो नाम है वो है B11529, तो ये इंपॉर्टेंट है मैच करने के लिए आ जाता है। पहले सदर्न अफ्रीका बोला गया था कि ये सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, पर लेकिन फिलहाल अभी ये कंफर्म कर दिया गया है कि ये सदर्न अफ्रीका में नहीं, ये साउथ अफ्रीका कंफर्म कर दिया गया है। क्यों?
क्योंकि देखने को ये मिला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर ये दो कंफ्यूजन था कंट्री को लेकर, एक बोट्सवाना और इसी के साथ में दूसरा यहाँ पर साउथ अफ्रीका, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया था सदर्न अफ्रीका। तो सदर्न अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेगी कुछ कंट्रीज जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि बोट्सवाना हो गया, ईस्वातिनी स्वाजीलैंड भी बोलते हैं, लिसुथु हो गया, नामीबिया हो गया और इसी के साथ में साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये सदर्न अफ्रीका वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ईस्टर्न अफ्रीका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, सेंट्रल अफ्रीका ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मैप में सेंटर में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये यहां पर क्या हो गया वेस्टर्न अफ्रीका नजर आएगा। इसी के साथ में ब्लू वाला नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया और यहां पर ये इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये यहां पर टोटल अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पांच पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया, तो सदर्न अफ्रीका में ये है यहां पर, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना साउथ अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के साथ में, मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी पैटर्न में अगर आप लोग थोड़ा सा और अपने देश के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी याद रखेगा हमारा देश जो होता है वो कहां पर आता है, तो साउथ एशिया के अंदर में आता है। एशिया के अंदर में जब आप लोग जाएंगे इस तरीके से एशिया को भी डिवाइड किया गया, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, तो टोटल मिलाकर छह कैटेगरी में यहां पर इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन इसलिए बता दी मैंने कि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, कई बार जो नए बच्चे होते हैं उनको लगता है कि यार ये क्या बोल दिया, अब एशिया के अंदर भी एशिया कहां से आ गया, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये अभी यहां पर जो ओमिक्रॉन है ये साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर सदर्न अफ्रीका इसलिए बोला गया क्योंकि बोट्सवाना में और साउथ अफ्रीका में एक साथ केसेस निकल कर आए, जिसकी वजह से यहां पर ये नाम इसलिए दिया गया था स्टार्टिंग में। डेल्टा जो है ये हमारे देश में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया B16172, ये यहां पर इसका नामकरण किया गया जो कि यहां पर आगे चल के ताकि आराम से पुकारा जा सके। गामा P1, बीटा B1351, अल्फा B117, तो ये यहां पर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन से निकल कर आए ये उसी ड्यूरेशन में, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में यहां पर रख दिए गए हैं। अगर बात करूं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तो ये दो और इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं आज की डेट तक का, MU B1621, ये आप लोगों को वेरिएंट ऑफ जो है इंटरेस्टी कैटेगरी में नजर आएगा, और लैम्डा C37 ये देखने को मिलेगा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्टी कैटेगरी में जो कि कोलंबिया और पेरू से निकल कर आए, यानी कि ये आप लोगों को साउथ अमेरिका से देखने को मिलेंगे। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं जो कि आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो जो हेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट गोल है और तीसरे नंबर पर उसको रखा गया है कि भाई साहब हेल्थ जो है उसको फोकस कर आप को चलना पड़ेगा, और ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनके अंदर टारगेट हम लोगों ने 169 डिवाइड कर रखे हैं। कैसे, जैसे तीसरे नंबर का गोल आप लोगों के सामने, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिवाइड करूं आप लोगों के सामने तो ये तीसरा गोल जो है वो अपने आप में ही यहां पर अगर स्टार्ट करेंगे 3.1 से तो 3.9 तक पहुंचा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 9 आप लोगों को अलग से टारगेट नजर आ जाएंगे जिसके चलते ये सारी चीजें हैं आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश की गई है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में भी यहां पर बात की जाती है, इसी के साथ में एड्स, मलेरिया या फिर नॉन जो ट्रांसमिटेबल जो डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, उन सब के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाइल्ड की हेल्थ के बारे में देखने को मिलेगा, तो ये सारे मुद्दे यहां से निकल कर आते हैं। तो इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। डिटेल में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कभी भी कोई आप लोगों से कोई पूछ भी ले तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सको कि हाँ भाई साहब ऐसे होता है ये, और उसको लगे कि हाँ रियलिटी में इंसान को इस टॉपिक की जानकारी है। ओके, एक किताब के बारे में आप लोग थोड़ा सा और याद रखते हैं, इनविजिबल जो एम्पायर यहां पर ये परने लाल के द्वारा लिखी गई है, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस, तो ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, हमारी कंट्री में नंबर ऑफ डेथ देखने को मिल रही है कोविड-19 के चलते, तो ये एक नेक्स्ट आर्टिकल था उसमें ये बोला गया कि हम लोग आज की डेट में चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, इतनी सारी डेथ जो है वो देश में देखने को मिल रही है पर हम लोग आइडेंटिफाई कर उनके बारे में बता नहीं रहे हैं कि हाँ कितनी डेथ हुई है। तो उसके पीछे कई सारे रीजन है, एक तो जनता के अंदर हबड़ा थपड़ी न देखने को मिले, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये देखने को मिला था कि आज की डेट में यहां पर आगे चलकर अगर इस तरह की कंडीशन देखने को मिली तो कंपनसेशन वगैरह देना मिल सकता है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उससे भी बचती है, जैसा अभी देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के बार बार प्रेशर डालने के बाद में बोला गया कि 50,000 के करीब 50,000 कोविड-19 के विक्टिम को यहां पर पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा उसकी फैमिली को, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसके चलते भी कई सारे मुद्दे आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यार ये देखने को मिलती है कि हम लोग जो आज की डेट में कई सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर वे में डेटा को इकट्ठा नहीं करेंगे तो यहां पर सिचुएशन क्या देखने को मिलेगी, हमारे देश में आगे हम लोग को कैसे चीजें लेकर चलनी है हम लोग उसको समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या, मतलब कोरोना वायरस आ गया, दुनिया भर के वेरिएंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल गए, अभी हमारे देश में क्या था,
आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, हमारे देश के अंदर में कई सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी कमी देखने को मिली। पहले जब सेकंड वेव आई तो पूरा देश जो है वो बिल्कुल बुरी तरह चरमरा गया यहाँ पर, इसके चलते एक काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। देखिए अगर अच्छी बात की बात करें कोरोना वायरस के बारे में, साउथ अफ्रीका से जो भी डेटा निकल कर आया उसमें अच्छी बात ये बोली गई कि जो ये नया वेरियंट है ना ये ज्यादा ताकतवर नहीं है एज कम्पेयर टू डेल्टा, यानी कि अब तक हमारा जो डेल्टा है ये सबसे ज्यादा अभी टॉप पर चल रहा है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट अभी डाला गया है। इससे पहले अगर बात करें अभी ओमिक्रॉन को बोला जाता कि इसको पीछे छोड़ेगा, पर लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई और वेरियंट ऐसा निकल कर आए जो इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाए। तो हमको सबसे पहले तो अपनी सारी जो जनता है उसको हम लोग को टीकाकरण करना चाहिए, जिसको एक टीका लग चुका है उसको दूसरा भी टीका दीजिए, और जिसको दोनों लग चुके हैं तो पहले आप लोग सबको टीका दीजिए और फिर बूस्टर डोज भी उन लोगों को आप लोग दे सकते हैं जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग कोमोर्बिडिटी यानी कि एक से ज्यादा बीमारी का शिकार हैं, या फिर जो नए बच्चे अभी पैदा हुए हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से डोज बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है स्टार्टिंग के फेज में, इसलिए जरूरी हो जाता है इन चीजों को लेकर चलना। तो कई सारे ऐसे इश्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग काम कब करेंगे जब हमारे पास में डेटा होगा। अभी ऐसा भी देखने को मिला था कई सारे राज्य के अंदर में जब पूछा गया वायरस के बारे में कि इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है यहां पर, तो डेथ को इकट्ठा करके कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा डेटा बताया गया कि भाई साहब हमारे यहां पर जो गवर्नमेंट जो है वो सारा डेटा प्रस्तुत नहीं कर रही है, डेटा छुपा रही है, तो उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाकर जेल में भी डाला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब ये भी बदतमीजी आप लोग करोगे यार, ऐसी हरकतें करोगे आप लोग यहां पर कि इंसान जो है वो सही इंफॉर्मेशन बता रहा है और आप लोग उसको जेल में डाल रहे हैं, तो ये बातें यहां पर फिर साइड में की गई, उनको छुटाया गया, तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिली। तो रियल टाइम में अगर आप लोग डेटा इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो फिर ये कितने हद तक सही है आगे के लिए वो समझना पड़ेगा। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए यहां पर बन सकते हैं वो याद रखिएगा। ये यहां पर इंपोर्टेंट बातें ये है कि 50,000 रुपए जब देने की बात की गई तो इसको एक्स ग्रेशिया बोला गया। ये क्या होता है? ये एक तरीका रिलीफ होता है जो यहां पर वॉलंटरी स्वेच्छा से दया की दृष्टि से और ग्रेस ये एक तरीके से देखने को मिलेगा प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि जो लोग हैं जिनके घर में से कोई इंसान की डेथ हुई है उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। अभी अगर काउंट के बारे में बात करें तो लगभग 4.5 लाख के करीब लोगों की जान गई कोविड-19 से, लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से, और अभी आगे भी और लोगों की जान जा रही है। तो इसके चलते अब देखने वाला मुद्दा यहां पर है कि इतने सारे लोगों को हम लोग क्या 50,000 रुपए प्रोवाइड करा पाएंगे। बोला तो यह गया था कि 4-4 लाख रुपए लोगों को दिए जाए, 50,000 में कुछ नहीं होने वाला है, पर लेकिन अगर 4-4 लाख देने बैठेंगे तो इतना पैसा आएगा कहां से, तो वो भी एक मुद्दा बन गया। तो फिर यहां पर डिसाइड किया गया कि 50-50,000 जो है वो कम से कम एक्स ग्रेशिया आप लोगों को देना है, और कहां से निकल कर आएगा, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से उसको निकालकर लेकर आया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन पक्का यहां से बन सकता है भाई साहब। फिर बोलो ये कहां से आ गया, तो यहां से आ गया, लाट बन जाएगी जरा सी देने में एग्जामिनर की, ये अच्छा टॉपिक है इससे क्वेश्चन बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी लंबे समय से न्यूज में देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं आप लोगों से यहां पर SDRF के बारे में, तो ये बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे देश में 2005 में आया, जब सुनामी 2004 में आई तब हमारी आंख खुली कि हाँ ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको बनाया। रिकमेंडेशन दी गई थी यहाँ पर 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे उस टाइम पर, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अभी बात करें तो फंड इसके अंदर जो आता है वो यहाँ पर कैग ऑडिट करता है, कैग कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट करता है। आर्टिकल 148 कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कैग के बारे में बात करता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो फंड जाता है उसके बारे में बात, तो ये ग्रांट इन एड की तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रांट इन एड ये आप लोग अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो कई बार बता भी चुका हूं, आर्टिकल 275 आप लोग यहां पर ग्रांट इन एड के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 267 याद रखिएगा, यहां पर ये आप लोगों से बात करता है किसके बारे में, ये कंटिंजेंसी, देख 267 और 266, चलिए दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों रहता है, आप लोग इन्हें कंफ्यूजन दूर करो आज जाके। 267 266 में एक जगह आप लोगों को कंटिंजेंसी रिजर्व देखने को मिलेगा, और एक जगह आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, एक और टर्म यूज की जाती है कई बार, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कहां कहां पर ये आप लोगों को नजर आएंगे, दोनों के बारे में आप लोगों को बताना है, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, कल फिर आंसर बताऊंगा तो फिर से बता दूंगा। 75% जो मनी है यहां पर वो उन राज्य के लिए दी जाएगी, खासकर यहां पर परसेंट यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, और बाकी स्पेशल कैटेगरी के जो राज्य हैं उनके लिए 90% दी जाएगी। इन्हें 25% इनको अपने आप और 10% इनको अपने आप से रखनी पड़ेगी। स्पेशल कैटेगरी में टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो यहां पर सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग सिक्किम, तो 7 और 1 8 इसके साथ में 9 10 11, तो टोटल मिलाकर ये 11 हो जाते हैं। यहां पर अभी इसको जम्मू एंड कश्मीर को बिल्कुल एक स्टेट ओरिएंटेड टेरिटरी में अगर बात करें तो इसको काउंट यहां पर किया जाता है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड इसलिए होता है ताकि कोई भी दुर्घटना देखने को मिले तो यहां पर उसकी भरपाई की जा सके। 10% जो फंड होता है वो इमीडिएटली रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं, अगर कहीं पर एकदम अर्थक्वेक आ गया, कोई कंडीशन देखने को मिली और उसके चलते चीजों को सुधारा जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो यहां पर इस तरीके के मुद्दे को जो है
वो यहाँ पर एक तरीके से जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो बोला गया कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है डिजास्टर से रिलेटेड अगर बात करें एरिया में, तो उस एरिया का जो भी यहाँ पर मिनिस्ट्री होगी बेसिकली उस एरिया की जो भी यहाँ पर बेसिकली उस एरिया के अंदर जो काम आएगा वो हमारी कंट्री में जो होम मिनिस्ट्री है उसकी लिस्ट के अंदर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिजास्टर वो अपने आप उसको ले सकते हैं, खासकर अगर वो सेंटर की लिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर बताए गए, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। ये जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ ये काफी खतरनाक है। नॉर्मली आप लोगों ने इसके बारे में कई बार सुना होगा कि लोग जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, तो अभी यहां पर कोई काम कोई कैसे करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को बोलो कि एक सिगरेट की जो डिब्बी आने वाली है वो 50,000 की आने वाली है, तो वो इंसान जो है वो सिगरेट की डिब्बी जो है वो लेनी बंद कर देगा, कुछ और ऑल्टरनेटिव देखेगा, कोई सस्ते नशे करेगा। पर लेकिन हाँ, हम लोग इस चीज को डिस्करेज कर सकते हैं उसका प्राइस बढ़ाकर, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी राइटर बेसिकली इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि देखो अगर आप लोग जो भी यहां पर सिगरेट वगैरह होती है सारी जो चीजें यूज की जाती हैं जो तबाको प्रोडक्ट होते हैं अगर उन पर आप लोग एक बड़ा टैक्स लगा दो, काफी टाइट अगर टैक्स लगा दो, तो इससे फायदा क्या होगा। एक तो जो पीने वाले लोग हैं वो डिस्क्रेज होंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह देखने को मिलेगा कि डिस्क्रेज हो वो चाहे ना हो इसके चलते आप लोगों के पास में टैक्स के चलते बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अभी COVID-19 के चलते हेल्थ में जो भी दिक्कतें देखने को मिली तो उसमें आप लोग इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहां से पैसा इकट्ठा करके। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा ये स्मोकिंग करते हैं, तो देखिए यार ये पर्सनल चॉइस है, इसको अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बॉडी के साथ साथ में दूसरों के भी जो शरीर पर इंपैक्ट डालते हैं, खासकर एक पैसिव स्मोकिंग शब्द आप लोगों ने सुना होगा। पैसिव स्मोकिंग यानी कि ये इंसान यहां पर सिगरेट पी रहा है बैठकर, गोद में बच्चा लिए हुए, तो धुआं जो है बच्चे की सांस के साथ में बच्चे के भी अंदर जाएगा। गाड़ी में बैठकर कई बार स्मोकिंग करने लगते हैं कई सारे लोग, तो उसकी वजह से भी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर और भी कई सारे लोग हैं तो उस पर भी काफी इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये पैसिव स्मोकिंग की कैटेगरी में आता है जो कि हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर बात करें एस्टिमेशन, अगर बात करें सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में भी, तो इसकी वजह से भी दुनिया भर के लंग कैंसर, अस्थमा, हार्ट की डिजीज ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे इन्फेक्शन यहां पर बच्चों के, खास में अगर बात करें तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन, अस्थमा और रेस्पिरेटरी जो यहां पर इन्फेक्शन बच्चों के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि ये पैसिव स्मोकिंग जो है ये भी काफी लार्ज स्केल पर लोगों को बीमार करती है। इवन अगर आप लोगों ने घरों में देखा होगा जब चूल्हे जलाए जाते हैं और वहां पर जो आप लोगों ने मम्मी या फिर कोई घर में दादी जो है वो के सामने बैठकर काम करती है, अगर वहां पर भी कोई बच्चा है तो उसको भी पैसिव स्मोकिंग की कैटेगरी में डाला जाता है कि यहां पर घर के अंदर जो धुआं निकल कर आ रहा है उसकी वजह से क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालता है। और अभी यहां पर जब बात करें हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर में, उसमें एक एनालिसिस किया गया कि जो निकोटिन है ये हाईली एडिक्टिव है और ये आप लोगों की हेल्थ के साथ में प्ले करता है, खासकर बच्चे को अगर एक बार आदत लग गई तो काफी खतरनाक है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा खासकर जो भी डिब्बियां आती है सिगरेट की उनके ऊपर लगभग 80% के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा वार्निंग लगी रहती है कि ये मत पीना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर लेकिन डेयरिंग देखो, इंसानों के कितने डेयरिंग बाज इंसान है, आज के में लिखा हुआ है उस पे सारी चीजें, पर फिर भी वो उसको पी रहे हैं। तो वो आप लोगों को बता रहे हैं कि हाँ ये चीजें हैं, हम लोग जो है इसको इस तरीके से बेसिकली पी रहे हैं और हम लोग बताएंगे कि हमको क्या नुकसान हो रहा है, आप लोग मत पीजिएगा। तो वो एक तरीके से आप लोगों के लिए टेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें बहुत गलत है, पर लेकिन स्मोकिंग की लत अगर इंसान को लग जाती है तो उन्हें बोलता है, कई सारे लोग जो है बोलते हैं मीठी मीठी बोलकर पिला दी कि मीठी लगती है, पीकर देख मीठी लगती है। तो ऐसे भी कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोगों को किसी ने बोला है कि देख पीकर देख एक बार मीठी लगती है, तो ये कई सारे बचपन में कैसी हरकतें की जाती है, तो ये गलत है। तो जो कि हेल्थ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, दोनों को ही पहुंचाती है, और ये WHO की एक स्टडी आप लोगों के सामने है। अब राइटर क्या बोल रहे हैं, राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो GST है उसके ऊपर आप लोग एक अच्छा खासा टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल अगर बात करें हमारे देश में जितने भी एडल्ट बच्चे हैं इनके जो एक जवान युवक है 28% के करीब जो एडल्ट हैं जिनकी एज जो है वो 15 से ऊपर है, और इसी के साथ में यहां पर 13 से लेके 15 साल के बीच के भी लगभग 8% के करीब बच्चे जो हैं वो आज की डेट में तबैको के शिकार हैं यहां पर, या फिर दूसरे प्रोडक्ट ऐसे यूज कर रहे हैं। हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद में सबसे ज्यादा हमारे देश में आप लोगों को ये हरकतें देखने को मिलेगी जो इतने लार्ज स्केल पर, और लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि चाइना के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलस देश कौन सा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, तो वो है हमारा देश। तो इसके चलते भी आप लोगों को ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल जाती है। तो बोला यह गया कि जब गुड्स और सर्विस टैक्स यहां पर लाया गया तो तब यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लगा लेता था, पर अभी आप लोगों ने जीएसटी के अंदर इसको ला दिया है। तो जीएसटी के अंदर ला दिया तो इसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए था वो टैक्स जो है वो काफी कम हो गया है। तो आप लोगों को इसको बढ़ाना चाहिए ताकि जो वहां से पैसा आए उसको आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको अच्छे लेवल पर, हेल्थ के सेक्टर में और दूसरे और एरिया में भी।
तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बैक को जो है अगर अब बात की जा रही है, हमारे देश का टारगेट था, हमारे देश में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी, याद रखिएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी हमारे देश में 2017 में। तो उस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में हम लोगों ने ये बोला था कि लगभग 30% के करीब हम लोग कम कर देंगे तंबाकू का यूज 2025 तक का। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर टारगेट क्या है। तो 30% हम लोगों को तंबाकू का यूज कम करना है 2025 तक का, पर लेकिन जैसा माहौल अभी बना हुआ है वो लग नहीं रहा है कि हम लोग नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, संविधान के अंदर जब आप लोग सातवें शेड्यूल के अंदर जाओगे तो तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब हेल्थ के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसको स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, तो स्टेट के ऊपर इसका बर्डन पड़ता है। अगर यहां पर इस चीज को नहीं सुधारोगे तो सबसे ज्यादा बर्डन देखने को मिलेगा। ये माना जा रहा है कि अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें जो बर्डन पड़ता है इसका लगभग 1,77,340 करोड़ के करीब ये तंबाकू जो है वो यहां पर एक तरीके से हमारी कंट्री को एनुअल जो बर्डन झेलने को पड़ता है। सोचिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो हष्ट पुष्ट है, अगर वो हमारी इकोनॉमी में बढ़िया हेल्थ रखेगा, काम करेगा, कमाएगा, अपने परिवार को पालेगा तो इकोनॉमी में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। सोचिए उस इंसान को गले में कैंसर हो गया, मुंह में कैंसर हो गया तो परिवार का पैसा डुबाएगा एक तरीके से और अपनी भी जिंदगी की जो कमाई है उसको भी बर्बाद करके जाएगा। तो ये एक बर्डन पड़ता है ओनली परिवार के ऊपर नहीं, ये देश के ऊपर बर्डन पड़ता है। जितने लोग हमारे देश में बीमार होंगे उतना ही ज्यादा बर्डन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को हर जगह यूज आप लोग कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों से पूछा जा सकता है जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में 2017 में इंप्लीमेंट किया गया और 1 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये कई बार कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं, 122वां अमेंडमेंट बिल था और 101वां संविधान में संशोधन था 2016 में, इसको पास किया गया, तीन कैटेगरी में लाया गया, सेंटर का टैक्स हो गया, स्टेट का टैक्स हो गया और इंटीग्रेटेड जो कि दोनों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो वाला टैक्स यहां पर नजर आया। आर्टिकल 246 ये मैंने अभी आप लोगों को डैम सेफ्टी बिल के बारे में पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा वहां पर ही मैंने पढ़ाया था। डैम सेफ्टी बिल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर इंटर स्टेट कुछ भी ट्रांसमिशन हो रहा है यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कुछ भी जा रहा है तो वहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल यूज होता। अब वो पानी भी जा सकता है, वो यहां पर कोई सामान भी जा सकता है, कोई सर्विस भी जा सकती है, तो यहां पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टेट के पास में पावर आती है इस पर टैक्स लगाने की। जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 279A देखने को मिलेगा जिसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के माइंड में अब तक तो बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, इतनी बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये था यहां पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है वो है एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। अभी राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारे देश में ये पता चला कि हमारे देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर थे डिस्ट्रीब्यूशन था 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, जबकि टारगेट था 2020 तक का, यानी कि 2020 में यहां पर ये कंप्लीट करना था टारगेट, पर लेकिन उससे पहले ही टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो फिर इसीलिए यहां पर सेकंड वर्जन इसका लॉन्च किया गया उज्ज्वला 2 का, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो यहां पर नोडल मिनिस्ट्री है इसको इंप्लीमेंट करने वाली, और ये सिलेंडर जो है वो काफी सस्ता हो जाता है, लगभग 1600 रुपए का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी के चलते यहां पर अभी बात की जा रही है कि प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट रिफिल जो ताकि यहां पर एक तरीके से और फायदा यहां पर हो सके यहां पर लोगों को, और इसी के साथ में हॉट प्लेट भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बातें हैं यहां पर। उज्ज्वला योजना काफी शानदार स्कीम बोलेगी। अभी मैंने पैसिव स्मोकिंग के बारे में आप लोगों से बात की, तो उज्ज्वला योजना जो है कहीं ना कहीं उसी को टैकल करने का भी काम करती है, महिलाओं की हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करती है। तो ये स्कीम सबसे पहले हमारे देश में 2016 में स्टार्ट की गई थी और टारगेट था कि 2020 तक का हम लोग को लगभग यहां पर 5 या 8 करोड़ 7 थे आई थिंक, कंफर्म नहीं है अभी देखेंगे। तो उसके बारे में याद रखिए, मतलब ये टारगेट रखा गया था कि कुछ इतने सिलेंडर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पर लेकिन वो क्या हुआ, पहले हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो सेल्फ डिक्लेरेशन का भी मुद्दा इसके अंदर लाया गया। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की जो घर की कंडीशन अच्छी है तो आप लोग यहां पर अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं, और किसी को लगता है कि उसकी कंडीशन खराब है तो वो इसके अंदर यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। उज्ज्वला फर्स्ट में यहां पर 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के करीब सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, पर लेकिन अभी फिर लगा कि ये काम कंप्लीट हो गया है तो फिर आगे चलकर और बढ़ा दिया। पहले बोला था बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए रहेगा, पर लेकिन आगे चलकर प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना वाले फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि जंगल के अंदर रहने वाले लोग, इसी के साथ में टी गार्डन में काम करने वाले लोग, आइलैंड में बैकवर्ड क्लासेस, बहुत सारे लोगों को और ऐड कर दिया और एडिशनल 10 मिलियन और यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की गई एलपीजी सिलेंडर। तो ये काफी बड़ा एक स्कीम यहां पर अभी देखने को मिली। ऑब्जेक्टिव तो यही थे ताकि यहां पर इंपावर किया जा सके हेल्थ के सेक्टर में, दूसरे नंबर पर रिड्यूस किया जा सके यहां पर जो अनक्लीन जो कुकिंग होती है फ्यूल, उसके बारे में बात कर रहे, प्रिवेंट किया जा सके खासकर बच्चों को
अगर दिक्कत देखने को मिलती है यहाँ पर उसकी वजह से उसके लिए। अचीवमेंट भी काफी अच्छे थे, 8 करोड़ जो है फर्स्ट फेज में हम लोगों ने अचीव कर लिया, अभी आगे इसको बढ़ाया गया और 11,000 के करीब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं आज के में देश में इस स्कीम को अचीव करने के लिए। पर लेकिन राइटर क्या कंसर्न यहाँ पर बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यह कि आप लोगों ने किसी गरीब तबके को आज के में सिलेंडर प्रोवाइड करा दिया पर रीफिल वाला खंडा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो सिलेंडर पड़ा रहता है, उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि उसको रीफिल करा सके, इतना महंगा आप लोगों ने ये सिलेंडर कर दिया कि रीफिलिंग में उनको दिक्कत आने लगती है। ये तो आप लोगों ने एक बार उनको पकड़ा दिया फिर रीफिलिंग कैसे करेंगे, तो आप लोग ये समझिए। तो एलपीजी जो रीफिलिंग जो प्राइस है अभी लगभग 50% बढ़ गया, यानी कि लगभग 900 रुपए जो है पर सिलेंडर जो है वो नवंबर के महीने में यहां पर अराउंड पहले कंपेयर में यहां पर जो है वो बढ़े हुए नजर आए। तो इस तरीके से आप लोग समझिए कि एक पर्टिकुलर परिवार जिसका कमाने धमाने का जो लगभग 2,500-3,000 रुपए कमाता है उसको लगेगा कि वो सिलेंडर में इतना ज्यादा खर्चा यहां पे करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो रीफिलिंग जो है वो काफी लो हो गई, इसलिए ये माना जाता है कि ये स्कीम जो है काफी हद तक फेल भी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो अगर बात करें फिर से वो फैमिली जो है फिर से उसी मुद्दे पर पड़ जाएगी जहां से वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, प्रॉपर डेटा आइडेंटिफाई करना किस इंसान को पहुंचना है किस तरीके से चीज जानी है वो भी यहां पर नहीं देखने को मिली प्रॉपर, ठीक है। तो ये एलपीजी सिलेंडर के बारे में याद रखिएगा। आप लोगों को यहां पर बात करें तो प्रोपेन देखने को मिलेगी, इसी के साथ में ब्यूटेन देखने को मिलेगी और इसी के साथ में पेंटेन, ये आप लोगों को गैस देखने को मिलेगी यहां पर। सबसे ज्यादा आप लोगों के सामने जो निकल कर आएगी वो है ब्यूटेन, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मोटा मोटा आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार कंपेयर भी कर लेता है सीएनजी के साथ में और इसके साथ में, तो आप लोग याद रखिएगा यहां पर प्रोपेन जो मैंने भी आप लोगों को बोला तो C3H3 देखने को मिलेगा और यहां पर सबसे ज्यादा होती है सीएनजी के साथ में मीथेन, तो CH4 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। ये यहां पर मैक्सिमम सीएनजी जो रहती है वो गैस में रहती है, गैस फॉर्म में, और ये लिक्विड और गैस दोनों में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एनर्जी कंटेंट के बारे में बात करें तो ये सबसे पावरफुल जो ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब ये बता रखे सारी छोटी छोटी चीजें, एग जो यहाँ पर एयर गैस कंबस्टन का रेशियो के बारे में बात करें तो ये डेटा हल्का सा आप लोगों के सामने। पर लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा CH4 जो है वो सीएनजी जो है मेथेन के लिए और प्रोपेन C3H8 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एलपीजी के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरल साइंस के अंदर आप लोगों से तुरंत पूछा जा सकता है, तो यहां से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर तो क्लैरिटी कम से कम रखनी रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर बता दी, अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप लोग उसको बताइएगा, उसको हम लोग दूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है रसिया वाला आर्टिकल, ठीक है। पर लेकिन अभी मुझे जितना टाइम अभी लग रहा है, मुझे लग रहा है उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। मैंने आर्टिकल सारा बना रखा है, उसके अंदर सारी चीजें मैंने यहां पर बेसिकली लगा रखी है कि इंपॉर्टेंस क्या है रशिया की इंडिया को लेकर, इंडिया के लिए रशिया की क्या इंपॉर्टेंस है, रशिया के लिए इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इसी के साथ में क्या क्या मेन चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे और फिर यहां पर कंक्लूजन। तो इनको सारों को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करने बैठूंगा तो काफी ये लेंथी हो जाएगा। कल सैटरडे है, सैटरडे में कुछ कम आर्टिकल आएंगे, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल मैं आप लोगों को वहां पर ऐड कर और डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों का जो आर्टिकल वहां पर ये पढ़ जाएगा, क्योंकि कल भी अगर कोई आर्टिकल आता है तो उसके भी हम लोग कुछ ना कुछ पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे। पिछले 2 दिन से मैं रशिया के आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, तो कल को पूरा और डिटेल में कवर कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो संडे तो आप लोगों रहते हैं जो बेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछली बार में याद होगा आप लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में काफी डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के बारे में, तो लास्ट संडे वाला डिस्कशन जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को और डिटेल में कल इसको काफी अच्छे से देख लेंगे, कल नहीं तो परसों, टेंशन मत लेना, कोई भी आर्टिकल बचेगा नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मेरे से कोई आर्टिकल छूट गया है तो आप लोग यहां पर मुझे बता सकें, studylovervir@gmail.com पर मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर इसको भी कवर कर लेना, ठीक है। वैसे मैं सारी चीजें देखता रहता हूं, अगर कोई आर्टिकल बचा है तो इसका मतलब ये कि वो आगे भी रिपीट होगा, टेंशन मत लेना, उसको वहां पर कवर कर लेंगे। तो ये मुद्दे हैं जो कि आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लिया करते किसी चीज की, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स फैक्ट वाला भी एरिया कवर करना है वरना ये सारा छूट जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अभी यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल रहा था जिसके बारे में कई सारे बच्चे जो है वो बात भी कर रहे थे कि आज की डेट में कंडीशन ये देखने को मिल रही है, अगर बोला जाए हमारे देश में जब से अफगानिस्तान में यहां पर बेसिकली तालिबान आया तो यहां पर ओपीएम की जो खेती है ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने बताया था गोल्डन क्रीशेंट के बारे में और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, तो याद रखिएगा इसमें आप लोगों को 3 कंट्री देखने को मिलेगी गोल्डन क्रीशेंट में और हम बीच में बीच पड़ जाते हैं यहां पर, एक है ईरान, एक है अफगानिस्तान, एक है पाकिस्तान। सबसे ज्यादा यहां पर ये ऐसी खेती आप लोगों को और स्मगलिंग देखने को मिलेगी ओपीएम वगैरह की, और यहां
पर बात करें सेंट्रल ट्रायंगल जो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, इसके अंदर चार कंट्री है, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया और बर्मा हो गया। तो हमारी कंट्री में दोनों साइड से यहां पर ये चीजें जब आकर घुसती हैं तो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को बात करूं हमारा देश किस किस कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करता है, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है वो आती है पंजाब की साइड से, यहां पर ये मान्यता है पाकिस्तान की साइड से, काफी लार्ज स्केल पर ये ऐसी चीजें हमारे देश में बेसिकली भेजी जाती है, यानी कि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है इंटरनेशनल बॉर्डर की साइड से। वैसे तो हमारी कंट्री में अगर बात करें कौन कौन से बॉर्डर टच करते हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर बचपन में एमबीए, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे कम बॉर्डर टच करता है, यहाँ पर अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो ऑफिशियल मैप जो है कंट्री का उसके हिसाब से कोई पूछ ले आप लोगों से, तो याद रखना अफगानिस्तान भी हमारे देश का बॉर्डर टच करता है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश करता है, उससे कम चाइना, उससे कम पाकिस्तान, कम से कम तीन जरूर याद रखेगा, और बाद में भूटान, म्यांमार, भूटान, ये म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान ये है, और बीच में नेपाल बच गया। तो इस तरीके से पता होना चाहिए। पंजाब जो होता है अगर बात करें ये पाकिस्तान के साइड में 547 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है, राजस्थान जो होता है 1035 किलोमीटर का बॉर्डर टच करता है, गुजरात 512 किलोमीटर का, और जम्मू एंड कश्मीर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अगर पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कितना, ये 1216 है, हालांकि अब ये डिवाइड हो गया लद्दाख वाले रीजन में और इसी के साथ में जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के अंदर में। तो ये पूरा आप लोग जब देखेंगे यहां पर तो लगभग कितना 3300 लगभग 3322-23 या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो यहां पर 3300 कम से कम आप लोग याद रखेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर टच करता है, और चार राज्य ऐसे हैं जो हमारे ये बॉर्डर टच करते हैं, तो यहां से भी जो ओपीएम है हमारे देश में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में ओपीएम हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां पर प्रोड्यूस होती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो कि आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाता है, तो यहां पर भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा सा और अंदर घुसना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये एक पर्टिकुलर मैप है जो कि जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है याद रखेगा, जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इसके साथ मैंने बताया सात कंट्री हमारा बॉर्डर टच करती है। पर लेकिन अगर आप लोगों से पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन टच करता है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, चाइना के साथ में कौन कौन टच करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड बोलते हैं बेसिकली, सिक्किम और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नेपाल को कौन टच करता है, बिहार, उत्तरांचल, यूपी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, बॉर्डरिंग बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, बॉर्डरिंग भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बॉर्डरिंग म्यांमार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है, और बॉर्डरिंग अफगानिस्तान ओनली आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में, ये क्या होगा, पाक ऑक्युपाइड एरिया है बेसिकली जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और वैसे अगर बोले आप लोगों से तो वैसे आज के डेट में हमारा लद्दाख वाला रीजन यहां पर टच कर रहा है ठीक है, तो ये याद रखना ठीक है, यहां पर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, लद्दाख वाला रीजन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रिक्वेस्ट है अगर इनमें से किसी भी राज्य से आप लोग आते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बॉर्डर टच करता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप लोगों ने इंटरव्यू के सेशन अगर देखे होंगे तो फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा पूछे जाएंगे ठीक है। इंटरव्यू में मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर बॉर्डरिंग स्टेट वाला, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। फिर आप लोग अंदाजा लगाने लगते हो कि क्या हो गया, कहां से हो गया, कौन कौन कहां से निकल कर आ रहा है ठीक है। तो यहां पर मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाँ जैसे कि इसके साथ में कौन सा बॉर्डर टच करते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग उसके बारे में रख सकते हैं। ओके आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन की ओर, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो फार्मर जो है उनके द्वारा बोल दिया गया है, क्या फार्मर के द्वारा यहां पर ये बोल दिया गया कि एक तरीके से विड्रॉ करेंगे वो जो उनका प्रोटेस्ट था, उसके पीछे रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे केस जो लगाए गए थे फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर उनको वापस लेने की बात कर ली है, तो उसकी वजह से ये न्यूज में है। नेक्स्ट यहां पर जो आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, एडिटोरियल आया था ये सुधा भारद्वाज को अभी रिलीज किया गया था कोर्ट के द्वारा, ये जब कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया तो एनआईए सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उसने बोला इनकी जो बेल है उसको आप लोग मतलब रोक दो, तो यहां पर एनआईए के द्वारा बोला गया, पर लेकिन यहां पर उनको अलाउ कर दिया गया है, अभी यहां पर उनको रोका नहीं गया, क्यों, क्योंकि जितना टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए को मिलना चाहिए वो उतना टाइम ले चुकी, पर उसके द्वारा अभी यहां पर केस फाइल कंप्लीट नहीं किया गया, जिसके चलते इनको बेल मिल गई 50,000 का कैश बॉन्ड देने के बाद में, तो उसके चलते ये मुद्दा देखने को मिला था। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन जो एक्टिविटी एक्ट है उसके तहत इनको पकड़ा गया था, पर लेकिन इनके खिलाफ कोई भी चार्जशीट दायर नहीं हुई, तो कोर्ट ने बोला कि ये इनका हक है, अब इनको यहां पर छोड़ देना चाहिए। केन बेतवा ये लिंक है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर, काफी इंपोर्टेंट रिवर है, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं,
एक है बेतवा रिवर और एक है यहाँ पर केन रिवर। केन और बेतवा को कनेक्ट करता हुआ ये लिंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये इंटर वाटर लिंक जो है वो काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर इसके चलते कई बार न्यूज में रहता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये कहाँ पर क्या बेसिकली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को नजर आएगा, तो छतरपुर पन्ना और इसी के साथ में यहाँ पर टीकमगढ़ जो यहाँ एरिया देखने को मिलेगा, झांसी बांदा इसी के साथ में महोबा और लखी यहाँ पर ललितपुर ये वाले एरिया आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये पर्टिकुलर एरिया में जो खासकर बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहां पर ये बोला गया कि पानी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज में रहता है। तो उसको अभी नोट देने की बात की जा रही है, आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर कॉस्ट बताई जा रही है यहाँ पर 44,605 के करीब यहाँ पर आने वाली है। तो आने वाले टाइम में इसको आराम आराम से फेज मैनर में इसको लगाया जाएगा और चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर चीजें चलती हैं और कितनी जल्दी हम लोग कनेक्टिविटी बना पाते हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो स्मोक टावर के बारे में बात की जा रही है, दिल्ली के अंदर बोला जा रहा है अभी हाफ एफिशिएंसी में यहाँ पर ये चल रहा है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये स्मोक टावर के बारे में आप लोग याद रखिए, ये हमारे देश के अंदर जब दिल्ली में लगाया गया तो काफी ज्यादा इसके बारे में बातें की गई। तो क्या क्या बातें की गई, ये पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर देगा। तो ये था स्मोक टावर यहाँ पर, इन यहाँ पर जो एयर पोल्यूटेड यहाँ पर जा रही थी और ये फालतू की जो हवा है वो यहाँ पर सॉरी पोल्यूटेड एयर यहाँ से जा रही थी दोनों साइड से, और फिर प्योर एरिया जो थी वो नीचे से निकलकर यहाँ पर आ रही थी। तो ये बातें बोलेगी, बिल्ट जो कोस्ट थी वो लगभग 20 करोड़ रुपए यहाँ पर बोला गया एक टावर को लेकर, और 100 क्यूबिक मीटर पर सेकंड यहाँ पर ये प्योर हवा निकालेगी। तो बोला यह गया कि अभी ये एक बेसिकली काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यहाँ पर इसके लिए कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ काम करो, तो यहाँ पर किया गया। तो पोल्यूशन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में पूछ ले तो याद रखना स्मोक टावर एनसीआर वाले रीजन में यहाँ पर लगाएगी। इसके अंदर नैनो जो फाइबर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है, जो कि यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं इंस्टॉल किया जाता है यहाँ पर इसको टैगल करने के लिए पोल्यूशन को, और पार्टिकुलेट मैटर को यहाँ पर ये जो स्मोक टावर का पर्पज होता है फोकस करता है ओनली ऑन पार्टिकुलेट मैटर जिसको पीएम बोलते हैं 2.5 या फिर 10 आप लोग बोलते हैं ना, तो पार्टिकुलेट मैटर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। स्मोक टावर जो है वो यहाँ पर लार्ज स्केल पर एयर प्योरीफायर के तरीके से चाइना में काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, चाइना में वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्मोक टावर देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में अभी दिल्ली के अंदर एक और जगह इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो बताइए वो कहां पर है जो कि यहां पर इसको एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये काफी एक ऐसी दुर्घटना है जिसको सुनकर भी मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को ब्लैंक पॉइंट पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। टीचर्स के द्वारा लड़कियों के साथ में रेप किया गया और फीमेल टीचर की हेल्प लेकर, तो उसके चलते अभी 14-15 लोगों को लगभग यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो 14 टीचर हैं इसके अंदर, प्रिंसिपल भी है यहां पर, ये सारे लोग हैं। तो अब इनको यहां पर लताड़ा जाएगा अच्छे से, किसके तहत, ये है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो पोक्सो आप लोग बोलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर की थी यहां पर, फिर से उसको रीशेयर कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई छेड़खानी होती है तो उसको कैसे बताना है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसको आप लोग जरूर देखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, बच्चे के साथ में किसी के साथ भी ऐसी हरकतें देखने को मिल सकती है। तो चार लड़कियां सामने आगे निकल के उन्होंने बता दिया हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, वरना ये बदतमीजी पता नहीं कब तक यहां पर चलती रहती। बाकी बहुत सारे आर्टिकल यहां पर ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारी कंट्री के जो डिफेंस आर्मी चीफ थे उनको, तो ये काफी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अभी देखते हैं कैसे यहां पर चीजें जो है वो हम लोग टैकल कर पाएंगे। पाकिस्तान के जनरल जो है उनके द्वारा और फॉरन जो इन्वॉय है उनके द्वारा भी ट्रिब्यूट पे किया गया है। बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया एआरटी, इसको बोलते हैं असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। ठीक है, तो ये अभी मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, टेंशन मत लेना, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो लगातार आते हैं। 3 दिसंबर को मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से बिल डिस्कस किया था, फिर से एडिटोरियल आएगा, फिर से हम लोग यहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते हैं, अगर किसी को देखना है तो ये आर्टिकल काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था वहां पर, तो फिर से बता दूंगा यहां पर इसके बारे में। अभी इसको बिल को जो है वो पास कर दिया जा रहा है, तो यहां पर सरोगेसी के लिए भी मैंने आप लोगों से बात की थी, तो जो किराए की कोक लेने वाली बात होती है ना वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी, तो समझ लेंगे इसके बारे में, कोई टेंशन नहीं रखनी है। बाकी सुडोकू के बारे में बात की थी आप लोगों से, तो आज का सुडोकू जो है ये है और कल का सॉल्यूशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। अश्वनी यादव के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पार्टिसिपेट किया करो और आंसर दिए। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये यहां पर देखने को मिलता है, एमएसपी के बारे में बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 फसल को दिया जाता है यहां पर। नो नेटो के अंदर बात करें, क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो लगभग 30 मेंबर हैं प्रेजेंट में, सबसे लेटेस्ट मेंबर अभी कौन ऐड हुआ है पता आप लोगों को, 1949 में इसको बनाया गया था, बताइए। यहां पर प्रीएम्बल के बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था यहां पर, ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना काफी अच्छे से। इसी के साथ में यहां पर जो ये पूछा था कि न्यूजीलैंड के प्लेयर के द्वारा 100 विकेट लिए गए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। ओके, तो अभी टाइम नहीं बचा है, बेसिकली जो क्रिकेट जो प्रीएम्बल वाला है उसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, कई सारे मुद्दे और मुझे उसके बारे में डिस्कस करने थे। आज की जो वोकैबुलरी है ये आप लोगों के सामने, प्रोलिफरेशन बोलते हैं
प्रसार करना चीजों का, इसी के साथ में डेवेस्टेशन यानी कि एक तरीके से भयानक चीज हो गई कोई, ठीक है, डेवेस्टेट हो गई, खत्म हो गई चीजें, एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गया। इसी के साथ में एंटीसिपेटरी एग्रीमेंट, एंटीसिपेटरी बिल का नाम सुना है ना, सेडिएशन यानी कि देशद्रोह राजद्रोह, इसी के साथ में डिसअफेक्शन यानी कि असंतोष। तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करना, ये पांच वोकैबुलरी के शब्द हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लाइक शेयर और जितना ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई देखता भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को बेसिकली शेयर कर सकें और इससे जो है जो भी हरकतें चल रही हैं चैनल के साथ में उस पर थोड़ा कम इंपैक्ट पड़े। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।